ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप के नेताओं के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसके बाद चीन के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सोलोमन द्वीप ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे को मंजूरी नहीं देगा। इसे चीन की बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि अब चीन टेंशन में आ गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक नए सिक्योरिटी एग्रीमेंट का ऐलान भी किया था। चीन ने दावा किया था कि यह सहमति सोलोमन द्वीप में शांति और मजबूती के लिहाज से दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और जापान समेत कई देशों ने इस समझौते को लेकर ऐतराज जताया है। ऑस्ट्रेलिया सोलोमन द्वीप के साथ काफी समय से काम कर रहा है और अब चीन इसमें दखल देना चाहता है, जिससे साफ पता चलता है कि समझौते का सबसे ज्यादा असर ऑस्ट्रेलिया पर पड़ने जा रहा है। चीन के साथ इस सुरक्षा समझौते को लेकर सोलोमन द्वीप समुदाय के विदेश मंत्री जेरेमी मनेल ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पाइने से मुलाकात भी की थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन द्वीप समूह के विदेश मंत्री को अपनी परेशानियों की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पाइने ने कहा है कि उन्होंने ईस्ट कोस्टल शहर ब्रिस्बेन में सोलोमन द्वीप के डेवलपमेंट प्लान और कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर जेरेमी मनेले से मुलाकात भी की है। हालांकि इस मुलाकात पर चीन ने अभी तक कोई फीडबैक नहीं दिया। इस समझौते की वजह से चीन को सोलोमन द्वीप में मिलिट्री बेस बनाने की छूट मिल जाएगी, जो प्रशांत महासागर के इलाके में चीन का पहला मिलिट्री बेस होगा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की चिंताओं का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस समझौते को रोकने की उम्मीद में अपने डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल को सोलोमन द्वीप भी भेजा था। चीन और सोलोमन द्वीप में सुरक्षा समझौते की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। हालांकि इस डील से जुड़े कुछ दस्तावेजों के लीक होने का दावा जरूर किया गया था, जिसके मुताबिक इस समझौते के बाद सोलोमन द्वीप के पास चीन से पुलिस या सैन्य कर्मियों से सोशल सिस्टम बनाए रखने या आपदा राहत में मदद करने की डिमांड करने की गुंजाइश भी होगी, यानी चीन को सोलोमन द्वीप में सैन्य कार्रवाई करने की छूट मिलेगी। ये समझौता पिछले साल नवंबर में सोलोमन की राजधानी होनियारा में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। हालांकि तब लोगों ने सोलोमन द्वीप के ताइवान के साथ संबंधों को खत्म करने और चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने का विरोध भी किया था, जिसने बहुत ज्यादा हिंसक रूप ले लिया था। और अब जब ये समझौता हुआ है, तब भी वहां विपक्ष और लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसा माना जा रहा है कि अब दबाव में आकर सोलोमन द्वीप ने ऐलान किया है कि वो अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे को मंजूरी नहीं देगा। अब चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।